नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चार यागेंद्र मिश्रा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे बहत्तर वर्षों बाद आज उनतीस नवंबर को काल सर्प योग छः राशियाँ होंगी धन से माला माल दोस्तों जन्म कुंडली को हमारे जीवन का आईना कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि हमारे भविष्य या भूतकाल में जो कुछ भी हुआ या होने वाला होता है उसका पता जन्म कुंडली से लगाया जा सकता है जन्म कुंडली के द्वारा भविष्य की संभावनाओं के बारे में तो पता लगाया जा ही सकता है साथ ही साथ कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ग्रह दोष के बारे में भी पता चलता है इन्हीं दोषों में से एक है काल सर्प दोष या फिर कहें काल सर्प योग जी हाँ दोस्तों दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह साढ़े सात बजे काल सर्प योग बनने जा रहा है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि आज सुबह साढ़े सात बजे काल सर्प योग बनने जा रहा है और दोस्तों इस योग के कारण छह ऐसी राशियां हैं जो धन से मालामाल होने वाली हैं इन राशि वाले लोगों के जीवन में अब बहुत कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जी हाँ दोस्तों इनकी किस्मत अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से चमकने वाली है और इनके लिए धन प्राप्ति के लिए विशेष योग भी बन रहा है दोस्तों इन राशि वाले लोगों के ऊपर भगवान महादेव की असीम कृपा दृष्टि अब रहने वाली है और भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि से आज 29 नवंबर को इस काल सर्प योग के बनने से विशेष लाभ होगा और ये राशि वाले लोग अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं छः राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महाशुभ योग के बनने से इन राशि के लोगों को अब लाभ की स्थितियाँ प्राप्त होंगी आपके लिए धन के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने भविष्य के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं उनको अमल में लाने की अब सही समय आ गया है दोस्तों अब आपको कई सारे फायदे होंगे व्यवसाय के नए रास्ते आपके बनते चले जाएंगे भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब इन छह राशियों को धन से माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों बता दें कि आज 29 नवंबर को इस काल सर्प योग के बनने से विशेष लाभ इन छह राशियों को होने जा रहा है तो आखिर ये भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं चलिए एक एक करके सभी राशियों का हाल जान लेते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बताना चाहेंगे कि सबसे पहली खुशनसीब जो राशि आती है दोस्तों वो है वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आज उनतीस नवंबर को काल सर्प योग बन रहा है, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपका बिजनेस व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा नौकरी में इजाफा होगा पदोन्नत के साथ साथ सैलरी में वृद्धि होगी अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है कई नए सुनहरे मौके मिलते नजर आएंगे आपको धन से जुड़ा मामला आपका हल होगा साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में भी राहत मिलती नजर आएगी धन संबंधित मामले आपके सुलझते नजर आएंगे रुका हुआ धन प्राप्त होगा इनका मा में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा कमाते नजर आएंगे अगली यानी जो दूसरी जो राशि आती है दोस्तों वो है यहाँ पर मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों को बता दें कि आज 29 नवंबर को काले सर्प योग बन रहा है जो आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है कई सुनहरे मौके मिलेंगे जी हाँ दोस्तों बताना चाहेंगे कि कई वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग आ रहा है जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है बता दें कि करीब बहत्तर वर्षों बाद ऐसा महाशुभ संयोग बन रहा है जो आज उनतीस नवंबर को काल सर्प योग बन रहा है जिसका सीधा लाभ होगा घरेलू जीवन आपके अच्छे रहेंगे और खासकर महादेव की कृपा से कोर्ट कचहरी के, के मामलों में राहत मिलती नजर आएगी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपका रुका व फंसा हुआ धन भी प्राप्त होगा इनकम में वृद्धि होगी पारिवारिक जीवन स्वस्थ्य होने जलाएंगे अगर किसी प्रकार कोई टेंशन थी तो वो भी खत्म होंगे अब अगली यानी जो तीसरी जो राशि आती है दोस्तों बता दें कि वो है यहाँ पर कन्या राशि कन्या राशि को अब आप दिन दोनी रात चौगनी तरक्की करेंगे आज 29 नवंबर को इस काल सर्प योग के बनने से विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त हो रही है दोस्तों बता दें कि महादेव की कृपा से अब आप अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत आगे रहेंगे पढ़ा हुआ लिखा याद रहेगा स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा इनकम आय में वृद्धि होगी लॉटरी सट्टा लग सकती है साथ ही धन से माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता इनकम आय जबरदस्त रहने वाली है बैंकिंग के क्षेत्र से आपको लाभ होता नजर आएगा साथ ही कोई लोन वगैरह मंजूर होगा साझेदारी में किए गए बिजनेस व्यापार से लाभ होगा अगली यानी जो चौथी जो राशि आती है दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर दोस्तों मकर राशि मकर राशि के जातकों अब आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकेगी आप अचानक धन की प्राप्ति करते नजर आएंगे कई सुनहरे मौके मिलेंगे आप इसमें विदेश की यात्राएं करेंगे विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा विदेश में रह रहे लोगों के लिए काफ़ी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से नई नौकरी लगने की उम्मीद बनी हुई बड़े लोगों से प्रोफेशनल लोगों से संबंध बेहतर होंगे उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलता नजर आएगा बता दें कि आप इस समय ऋण कर्ज से मुक्ति पाएंगे और रुका व फसल धन प्राप्त करेंगे लोटरी सट्टा लगने संभावना की संभावना शत प्रतिशत आपकी बनी हुई है धन से जुड़ा मामला हल होगा अगली यानी जो पाँचवीं जो राशि आती है दोस्तों बता दें वो है यहाँ पर तुला राशि तुला राशि के जातकों अब आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकेगी आज उनतीस नवंबर को इस काल सर्प योग के बनने से आप पैसे से जुड़े मामले आपके हल होंगे इसीलिए तो कहा कि पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे बहत्तर वर्षों बाद आज उनतीस नवंबर को काल सरपयोग छः राशियां होंगी धन से माला माल उनमें से एक राशि तुला राशि आपकी भी है महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ ले पाएंगे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे साथ ही महत्वपूर्ण बिजनेस व्यापार की शुरुआत करेंगे पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे अविवाहित जातकों के विवाह आदि सम्पन्न होते नजर आएंगे घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा घर में शादी विवाह के साथ साथ धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है अगली यानी जो छठवीं जो राशि आती है दोस्तों बता दें वो है यहाँ पर मीन राश मीन राश वाले जातकों को बता दें कि आज उनतीस नवंबर को काल सर्प योग बन रहा है जिसका सीधा सीधा लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा इनकम आय में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी पहले से कहीं ज्यादा आपको धन इनकम प्राप्त होगा साथ ही बता दें कि लोटरी सट्टे में लाभ होगा और बैंकिंग के क्षेत्र से लोन वगैरह मंजूर होगा प्रेमी प्रेमी युगल जोड़ों के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी लव पार्टनर कुछ गिफ्ट और उपहार देते नजर आएंगे उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताते नजर आएंगे महादेव की कृपा से पुराने दोस्तों से काफ़ी संबंध बेहतर होंगे सामाजिक दृष्टि में आपका मान सम्मान बढ़ेगा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव लगाव होगा यात्राओं के योग बनेंगे यात्राओं से काफ़ी लाभ होता नजर आएगा भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके लिए यह यात्रा काफ़ी अच्छी रहने वाली है महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होंगे अभी तक अगर आपको कोई महत्वपूर्ण अवसर नहीं प्राप्त हुआ तो अब भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे लाभ होगा तो दोस्तों ये छह राशियाँ ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं इन्हें धन से मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता इसलिए दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा हर हर महादेव जय भोलेनाथ साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा ज्यादा ज्यादा हो सके तो इसे वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हर हर महादेव जय भोलेनाथ